नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे साप्ताहिक चलत फिरत चित्र संगम में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं तो कृपया आप शशि थरूर वर्जन इन हिंदी में थोड़ा सा उनके साथ वार्तालाप कर लें, समझा देंगे इसका मतलब क्या है। इस वीडियो में हम इतना शुद्ध हिंदी बोलेंगे ना, इतना शुद्ध हिंदी बोलेंगे कि हमार भारत नागरिक होने के ऊपर किसी पे भी अगर प्रश्न न उठे, माई की कसम, माई की प्रार्थना, तुम हमार भोजपुरी में बोलत हा कि कैसन हम अपने विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। अब बात है 29 दिसंबर 1989 की, हमको इतना भी गिनती नहीं आता है हिंदी में, ठीक है। हम पैदा हुए थे, तो माताजी तो खुश थे, पिताजी भी खुश थे, हमारे भैया का पता नहीं, वो थोड़े कंफ्यूज थे। अब हुआ ऐसे कि हम जैसे जैसे बड़े हुए, हमारे आसपास के लोग हमको बोले थे कि तुम तो माइकल जैक्सन दिखे था। हम तो माइकल जैक्सन को जाने थे नहीं, अगर हम जाने थे ना, हम उसके पास चले तो बोले थे तुम्हारा हम डुप्लीकेट हा, अब तुम नचनिया हम छचनिया, मतलब तुम थोड़ा ठुमका मारा था, हम थोड़ा जैसे अंगड़ाई मारा था, का कर चल दिए ऊपर। अब हम माइकल जैक्सन जैसे दिख भी नहीं रहे थे, अंत अंत में तो आपको पता ही है वो थोड़ा ओवर ब्लीचिंग कर लिए थे खुद को। अब माइकल जैक्सन चल दिए स्वर्ग, स्वर्ग ही गए होंगे, इतना मतलब सुप्रीति की तरह इतना नचन नचाए हैं कि ऊपर भगवान ही बोलेंगे तुम का हमार भक्तों को अपना नचनिया दिखाए, तो हमार सामने भी दिखाओ कितना मून वाक करे था, हम तुमको साटन भी भेजेंगे तो साटन वाक भी करना। अब क्या पता गैलेक्सी 227-14147 ओमेगा में भी जाके हम थोड़ा से मून वॉक कर रहे होंगे, हम आए हैं पृथ्वी से, हम तुम्हें मून वॉक दिखाएंगे। अब वो तो हो ही गया उनका बात, अब हमार बात पे आ तो हुए कहा कि दो दशक हम तो बड़े हमार बलमा तो बड़ा ही फ्यूज होएगा कि हम कान हैं, हमको बार बार बोला था गो बैक अफ्रीका। जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वहाँ जो जंगल में जो खूबसूरती है ना वो तो मनमोहक है। अब हमारे साथ ऐसा हुई, मतलब हुई थरता है कि तुहार तो इंडियन नहीं है तो तुहार हिंदी कैसे बोला था। अरे हम तो ऐसे भोजपुरी बोला था ना, तुहार गाँव थवी हम छमछमा दे है, हम तुम्हार गांव का काकड़ी मूली सब खाए थे, बता रहे हैं ऐतिहासिक गवाह है कि इंसान अफ्रीका से हुआ था, तो अफ्रीकन का होना का बुरी बात है, ये तो अंग्रेज लोगों ने चारकोल चंदन के बीच बटवा दिया, अब तो हम टूथपेस्ट में भी नमक खोजते हैं, सोचो ऐसा हाल भी गवाए। जन्म के बाद ऐसा हुआ कि लोग हमको दो दशक तक बोले था कि तुम अफ्रीकन दिखा था, तुम गोरा था नहीं, तुम खूबसूरत था नहीं, हमारे अंदर ना थोड़ा दिल टूटा था कि हम का है कैसे दिखा था बोला था ना। तो क्या हुआ कि हम डिजाइन कॉलेज में थे, हमारे दो ऊपर सहपाठी आए, हम बोले कि तुम्हार रैगिंग कर रहे थे, हम बोले कैसे रैगिंग कर रहे थे, बोले तुम टॉवल पहन के आई गवा, नहा के आई गवा, और हम तो रोज तीन बार नहाते हैं, कितना आपके अपन हमार मुलायम मुलायम शरीर में तुम क्या कर रहे थे, पाउडर लगाया था का, और चित्र हमार लियो, हम तो छंबित हो गया, अरे भाई ये तो गजब हुई गवा। अब गजब हुई गवा तो जो एक तिहाई जिंदगी हमारी जो लोगों ने हमें बोला था कि तुहार नहीं दिखत अच्छा, हम तो बम फोड़े थे चालू उधर से। पहले तो हमारा जन्म मिर्ज़ापुर में हुई गवा। अब मिर्ज़ापुर अगर आप नहीं जानत है तो प्राइम अमेजन में देखा था, कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं है तब भी देखा था, वहाँ गोला बारूद चला था, हम भी अपना ठंडा डंडा लेके मारे थे एक दूसरे को। अब हुई आई कि हम गए थे अपने गुआओं लखनऊ गए थे, अब भूल भुलैया गए, हमको भूल भुलैया का बड़ा शौक है, हम सोचे अपने हमारे साथ तो सहपाठी गए उसको हम भुला देंगे उधारी, नहीं भुलाया, आ गए हमारे पीछे पीछे। जो भी हम दो टिकट मंगने गए, बोले थे कि अरे फिरंगी दिवस तो दो टिकट तो 100 रुपयों में ना है, हम बोले का है ना है, हम तुहार गांव के हैं, तुहार मूली ककड़ी खाए थे हमका तुम वंचित करे थे हमारे गांव सा, अपने गांव के इंसान को तुम ऐसे वंचित करे थे 100 रुपये में टिकता, तो भचा गए। अब दूसरा हुई तक हम गए थे लखनऊ पर एयरपोर्ट में ही थे, अब लखनऊ पर मैं घुसते वक्त वो BSF का नौजवान लोग खड़े थे ना, एकदम चिकनाए ना यूनिफॉर्म देखे तो हम फिदा हुई गवा,
हम दिखाए तो अपना आधार कार्ड, हम तो मस्ती का रूप में है कि हम तो आज उनको चकनाएंगे, हम दिखाए उनको आधार कार्ड वा। आधार कार्ड वा देखने के बाद बोले थे कि हमको ऐसे ऐसे घूरत घूरत, हम बोले गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, सब गुड, फैंटेस्टिक, वाइफ हैप्पी, बच्चा हैप्पी, तो हंसने लगे। हमारे सही पार्टी थे, उसके बाद भाग के बोले अरे मादम आधार कार्ड दिखाई तो है ये का मद। तो हमारे सह पार्टी बोले हिंदुस्तानी है, तुहार आधार कार्ड एकदम असली दिखाए थे। एकदम ना मुस्कुरा के हमारे पास आए, बोले मैडम गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। बोले हम तो कम इन ही करेंगे, नहीं तो प्लेन का क्या, बाहर से आएगा क्या, रास्ते में आएगा, टैग बस स्टॉप में आएगा क्या, आज का मौसम बहुत सुहाना है, हम आज रास्ते पे लैंड करने वाले हैं, कृपया कृपया अपना सीट बेल्ट बांध के नहीं, अपने आप को डबल रस्सी के साथ बांध के रहे, बिकॉज हमारा लैंडिंग काफी अब्रप्ट होने वाला है। थैंक यू फॉर हैंगिंग आउट और हैप्पी फ्लाइंग। हमको ना पायलट भी बहुत अच्छा लगा था, बोला था ना गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फ्लाइट, आज का वातावरण बहुत है, बाहर का तापमान ऐसा, अंदर का तापमान, मतलब हमको सोचा था कि अपना दिल का हाल तो नहीं बताया था हमारे का, कि हमारे बाहर था ठंडा ठंडा, अंदर बहुत गर्म गर्म लगाए थे। जो भी है देखा जाएगा। देखो भाई बहुत गर्मी हम बता रहे हैं, इस वर्ष बहुत गर्म पड़े थे, पेड़ बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हम बीच बीच में से आंदोलन देते रहेंगे। ऐसा हुई कि हम मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल में थे, अब वहाँ हमारे थोड़े दो तीन भाई बहन मिल गए हमारे देश से, अरे नहीं नहीं भारत से नहीं, अफ्रीका से, खुश हो गए। अरे भाई हमारे देश की महिला इधर है, हमारे देश में तो महिला का बहुत कमी है, तो यहीं हम थोड़ा डोरा मार देते हैं, आए हमारे पास खुश खुश होके, हेलो हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम अफ्रीका, यू आर फ्रॉम वेयर। हम इधर उधर देखे, पूछे हु आर यू लुकिंग फॉर, सिस्टर सिस्टर आई एम फ्रॉम अफ्रीका, गिव मी योर नंबर, वी विल गो फॉर ट्रिप। हम दिए उनका नंबर 9876543211। अब उस नंबर पे कान को मिला, हमको पता है नहीं ये हमारा नंबर नहीं है, आपका अपना नंबर बताए हैं राष्ट्र बताएंगे। कुछ वर्ष पहले हम अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने पासपोर्ट ऑफिस गए थे, अब गए तो उधर जो महिला थी बड़ी सुंदर दिखती थी, सौंदर्य रूप में बहुत खूबसूरत थी। अरे हर औरत खूबसूरत, हर इंसान खूबसूरत होता है, देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। अब भाई महिला जी हमें देखी और बोली कि अरे आपको इंडियन पासपोर्ट चाहिए। हम बोले हाँ हम भी यही सोच रहे हैं, हमको इंडियन पासपोर्ट चाहिए, बताइए हमारे बचपन से हमारे देश अफ्रीका में, हम यहाँ इंडिया में अटके पड़े हैं, आपको नहीं लगता हमको अफ्रीकन पासपोर्ट चाहिए। तो बोला मजाक कर रहे थे, हबाल मजाक कर रहे थे, हम दो इंडियन पासपोर्ट, इतना बरस हम इंडियन पासपोर्ट लटकते हैं, दो हमको इंडियन पासपोर्ट। ऐसा इश्माइल मारी, हम तो फिदा हुई गवा, हमको तो इंडियन पासपोर्ट दी गवा। हम बाहर आए, हमार पिताजी बोले का मिला, एकदम मिल गया, हम जिंदगी कुछ मिला ना मिला, इंडियन पासपोर्ट मिल गया। तो महिला कुछ पूछी पूछी कि आप इंडियन पासपोर्ट का है, बोले बस पासपोर्ट कलेक्शन करने का शौक है ना, लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, कॉइन कलेक्शन करते हैं, तितलियां कलेक्शन करते हैं, कीड़े कलेक्शन करते हैं, पासपोर्ट कलेक्शन करते हैं। पाब्लो एस्कोबार तो वो झूठा था, असली पाब्लो एस्कोबार तो हम हैं मिर्जापुर के, का है बता ही रहे हैं। हमारे के अंदर ऐसा नशा है ना कि बस हमें देख लियो चढ़ गवा ऊपर ऊपर। उसके बाद सिर्फ भगवान भी बोले थे कि हमारे जो ठंडाई में इतना मजा नहीं है जितना सोबना की चहराई में, हमें खुद के रंग रूप ढंग से कोई कोई असुविधा नहीं है, जिन्हें असुविधा होती है कृपया अपनी असुविधा को अपने अंदर ही रखें। हमें ना जानने की उत्सुकता है, ना सुनने की उत्सुकता है, ना आपको देखने की उत्सुकता है। ऐसा नहीं है कि हमें यह अनुभव अपने प्रेम खोज के प्रति भी ना मिला हो, ऐसे काफ़ी युवक हमें मिले हैं जिन्हें हमारे रंग रूप ढंग हंग से काफ़ी किड़न थी, हमें हमने उन्हें यही कहा कि भाई झंडू बाम लो, अपनी ऊंचाई को मिटाओ और जाओ अपने स्त्री को घूम के लेके आओ। अब जैसे हमने कहा कि हमें अपने अविवाहिक होने का कोई कोई हताश प्रिय अनुभव नहीं है, हम तो बहुत बच चुके हैं भाई, मिस यू डार्लिंग, आई मिस यू, आई लव यू भाई। विवाह करने के बाद भी अगर तुमको इतना ही डाउट है कि हम तुमको प्रेम करते हैं, उससे बेटर तो हम नहीं करेंगे। हम बहुत सुखी हैं, सुखी इस बात के हैं कि दिन में आराम से उठते हैं, कोई कचकच नहीं है, आराम से खाते, आराम से पीते, आराम से काम करते, फिर सो जाते हैं। किसी को न मनोरंजन देने का प्रयास है, न किसी से मनोरंजन देने का आस है।
Well, thank you so much for hanging me on. I don't know if this was equally good when it comes to I taking out my frustration, but I hope I was good enough to take out my frustration. It's really hot. As you can see, I'm sweating as hell. It's just the beginning, dude. Save trees, save planet, please. हम ये प्रवचन देते रहेंगे. अकेले इंसान हैं, हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है नहीं. तो आशा करते हैं आपको आने वाले चलत फिरत चित्र संगम में हम आपका अभिनंदन और आपका मनोरंजन फिर करेंगे. देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद. हम शुभोना कर्माकर है, एक आत्मनिर्भर चित्र कलाकार है. अगर आपको आपके कार्य के लिए कोई चित्र की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर दूरभाष यंत्र पे थोड़ा टिंग 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 अमिताभ बच्चन के रिंगटोन के बाद हमारा हेलो सुनने को मिलेगा. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक.